गाइज वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन की छोटी सी घंटी का निशान आ रहा होगा उसको क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पर अगर कोई लिंक्स वगैरह भेजने हो या हमें कोई मैसेज वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के हम दोनों के लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ऑसम किस्म के होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारतीय वायुसेना को लेकर सबसे बड़ा फैसला, 114 लड़ाकू विमान खरीदने की को हरी झंडी, मतलब फाइनली हरी झंडी दिखा दी गई है। 114 विमान लिए जा रहे हैं, 114 वे। तो काउंटडाउन करते हैं यार, वीडियो देखते हैं उसी के बाद पता लगेगा मतलब कैसी है, मतलब फुल कहानी पता लगेगी। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत ज्यादा ले रहे हैं ना भाई, तो एकदम इतना बड़ा फैसला, ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है ताकि किसी भी परिस्थिति से दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। इसी कड़ी में राफेल फाइटर जेट के बाद अब इंडियन एयरफोर्स 114 और लड़ाकू विमान को खरीदने की योजना पर काम कर रही है। होने वाले एयर इंडिया के दौरान 84 LCA तेजस मार्क 1A विमान की डील पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ भारतीय वायुसेना अब मल्टी रोल लड़ाकू विमान परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। और इस परियोजना के तहत वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रही है जिसकी अनुमानित कीमत 1.3 लाख करोड़ रुपए है। वायुसेना लंबे समय से इस लड़ाकू विमान परियोजना पर काम कर रही थी और अब LCA तेजस मार्क 1A के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बेंगलुरु में 50,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। ये नए 83 LCA तेजस फाइटर जेट वायुसेना में मौजूदा लड़ाकू विमान MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन की जगह लेंगे। वायुसेना आने वाले दिनों में तरीके से MiG-21 को ऑपरेशन से बाहर करने की योजना पर काम कर रही है और यही वजह है कि अब 114 नए फाइटर जेट्स प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने निविदा के लिए रुचि पत्र पहले ही जारी कर दिया है और जल्द ही इस अरबों डॉलर की परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय के सामने बहुत बड़ा फैसला। इस सौदे में 4.5 से अधिक जनरेशन के विमानों को खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने साल 2017 में करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों का सौदा फ्रांस से किया था। 11 राफेल फाइटर जेट फ्रांस भारत को दे चुका है और 2023 तक इस सौदे के पूरे हो जाने की उम्मीद, मतलब 36 मिल जाएंगे इंडिया में। तो वही अमेरिकी कंपनी एरो इंडिया शो में F-15 स्ट्राइक ईगल, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 वेरियंट को F-21 के नाम से पेश कर रही है। वही रूसी कंपनी के MiG-35 और सुखोई फाइटर की पेशकश करने की संभावना है। इसके साथ में से भी लेंगे जरा, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा इंडिया के लिए। भारत में संभावनाएं तलाश रही है। वैसे हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरके भदौरिया ने 114 लड़ाकू अधिग्रहण परियोजना के लिए राफेल को मजबूत दावेदार में से एक करार दिया था। खैर, इसमें जो भी फाइटर जेट वायुसेना द्वारा चुना जाएगा वो अगले 4 दशकों यानी 40 साल तक भारत के हवाई ताकत का मुख्य आधार बना रहेगा। MPI के साथ न्यू जनरेशन के लिए ऑपरेशनल करने की आवश्यकता होगी। ऐसे लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 240 होगी जिसमें से 14 विमान मेड इन इंडिया होंगे और विदेशी कंपनियों को भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा इन लोगों ने बयान रखा है सामने। ब्यूरो रिपोर्ट भारत। बहुत कमाल कहे इन लोगों ने स्टेप रखा है, मैं कमाल हो जाए। इसी साथ ये वीडियो खत्म। तो वजह इस वीडियो में मतलब पहली बात ये कि जो तेजस है ना वो 83 मतलब मल्टी रोल मार्क 2 जिसका अपग्रेडेड वर्जन, बिल्कुल न्यू वर्जन, वो जो मतलब बहुत 4+ जनरेशन, 4.5 जनरेशन बनते हैं। ठीक है, 4.5 जनरेशन बनते हैं और वो कमाल का है यार। उसमें और वो स्टेल्थ भी होगा, वो स्टेल्थ भी होगा। मैंने स्पेसिफिकेशन उसके देखे, बहुत कमाल। और वजह वो वाला तेजस 83 होंगे जो खुद इंडिया बनाएगा, तो मतलब पैसा अपनी कंट्री में ही लगेगा। ये मुझे बात बहुत ज्यादा पसंद है, जो मतलब पैसा लगाएगा वो अपनी कंट्री में होगा। और बाकी सोचे गए हैं बीच में रशिया के भी देखे गए, अमेरिका के भी देखे। यार मुझे एक थोड़ा शायद डाउट है, अमेरिकन ज्यादा अच्छा नहीं एयरक्राफ्ट होता है
यार मेरे ख्याल में अमेरिकन अच्छा हॉर्नेट भी दिया है, F-15, F-18, F-21, इतने कमाल कमाल गए यार एयरक्राफ्ट वो परता वो मतलब आगे मतलब यार बहुत अच्छी मतलब ऑफर्स मिली तो है इंडिया को। अब देख इंडिया मतलब क्या करता है, इंडिया बहुत सोच के लेगा ताकि मतलब रशिया से भी रिलेशन खराब ना हो और अमेरिका से ना। यार दोनों ने सही बढ़ चढ़ कर और उसने भी MiG-35 SU-35 20 है वो भी काफी अच्छा, रशियन भी कम नहीं है, ये बात मुबशरी भी बोला इसमें कोई रशियन कम नहीं है, रशियन भी कम नहीं है। और दूसरी बात वजह मतलब यार और इसका पता नहीं 1.3-4 लाख करोड़ रुपए उससे ज्यादा लगेगा। और मुबशिर सबसे बड़ी बात आ रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे कल, ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद लगी, कल को अगर कोई मतलब अपग्रेडेशन भी होगी तो ये अपनी खुद अपग्रेडेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इधर इंडिया जितने मर्जी बना भी सकता है। जरा एक मजे की बात है, ये इंडिया एक बहुत ही प्योर काम करता है, नहीं तो चाइना को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की लोड ही नहीं पड़ती, उनको जहाज तो मार देते, उनको जहाज तो उड़ा लेंगे, वो पता नहीं क्या कर देंगे जहाज का इंजन खोल खाल के, पता नहीं सब कुछ खोल खाल के, रात को खुलेगा सुबह कॉपी पे तैयार होगा नक्शा और चेंगड़ू J-20 निकल आएगा F-22 से लेकर निकल कर रैप्टर से चेंगड़ू निकाल लिया यार मतलब तब अंदाजा लगा। लेकिन ये इंडिया की बहुत अच्छी बात है कि ये मतलब कि अच्छे तरह से काम करता है, प्योर माइंडेड है कि मतलब लेनी है तो फुल टेक्नोलॉजी लेनी है, नहीं तो बीच में यकीन ही करनी जो चाइना बिल्कुल जो मतलब वो करता है वो बीच में काफी चलाकी कर लेता है, वो रशिया से थोड़े बहुत ले लेता है, रशिया को बड़ा फुद्दू लगाया पिछले दिनों उसने, रशिया से थोड़ी बहुत चीजें लेकर उसको खोल खाल के वो उसकी सारी वो चीजें देकर अपना बनाता है यार आता है मतलब वो तो उन्हें वो बुगाटी देगी थी ना मतलब पाकिस्तान वो जो बुगाटी बताई पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की थी वो चाइना में चल रही यार वो अजीब चीज थी यार, बहुत अजीब थी। सो गाइस आप बताएं आप इसके बारे में क्या कहते हैं, एक अच्छा वैसे मुझे खुशी है मुझे 150 एयरक्राफ्ट की इनको जरूरत है, मतलब इतनी जरूरत है तो पूरी हो जाएगी ना, मतलब मिग 21 काफी पुराना हो गया, उसकी 4 स्क्वाड्रन चेंज हो जाएंगी, स्क्वाड्रन में एक 18 होते हैं मतलब एक स्क्वाड्रन में भी आई थिंक वैसे कुछ होता है, ऐसे ही होते हैं हाँ, तो काफी मतलब काफी एक अच्छी खबर है। तो गाइज आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।